हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजान। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं, उसमें कैरियर कैसे बनाते हैं। तो आज के समय में गवर्नमेंट यंगस्टर को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कई सारी जॉब्स की वैकेंसी हर महीने या हर साल निकालती है। इसकी मदद से गवर्नमेंट उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए इंकरेज करती है, और ऐसा होता भी है। तो आजकल काफ़ी यंगस्टर जो हैं 100 में से 70% गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना पसंद करते हैं। आजकल एक बात गौर करने वाली ये है कि लोगों का इंटरेस्ट मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको ये जानना है कि इंडियन नेवी में और मर्चेंट नेवी में कैरियर कैसे बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखकर जान सकते हैं। तो बात करते हैं इंडियन नेवी की। अगर आप इंडियन नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, तो इसमें जॉब लेना मुश्किल नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तो इसमें आसानी से आप जॉब ले सकते हैं। बट आपको 12th में साइंस स्ट्रीम चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न चाहिए साथ साथ में, और साइंस स्ट्रीम में आपके पास मैथ्स भी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको एक NDA का एग्ज़ाम देना होता है, जो इंडियन लेवल का होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसको क्लियर करने के बाद आप इंडियन नेवी में जॉब आसानी से ले सकते हैं। तो बात करते हैं इंडियन नेवी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें मेल हो या फीमेल, दोनों को अनमैरिड और इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। और 12th में फर्स्ट डिवीज़न के साथ साथ साइंस स्ट्रीम में आपके पास मैथ्स भी होनी चाहिए। और एज लिमिट इसकी होती है 17 to 25 years। और आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें 100 questions होते हैं, और हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और एग्ज़ाम जो होता है वो 4 parts में डिवाइड होता है, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और GK, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो और जो आपकी फिजिकल फिटनेस भी इसमें चेक की जाती है। फिजिकल फिटनेस में आपके लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में आपको दौड़कर दिखाना होता है, और 20 स्क्वाड्स आप लगाने होते हैं, उठक बैठक मीन्स, और आपको इसमें 10 पुशअप्स लगाने होते हैं। और अगर आपकी मेडिकल फिटनेस की बात करें, तो उसमें आपको आपकी हाइट जो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और आपकी आई साइट जो है 6x6 दोनों में होनी चाहिए। तो बात करते हैं मर्चेंट नेवी की। मर्चेंट नेवी का नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडियन नेवी का हिस्सा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, जबकि मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में होती है। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में एक ये डिफरेंस होता है कि इंडियन नेवी को देश की ओशन बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और जबकि मर्चेंट नेवी कोई इंडियन फोर्स नहीं है। मर्चेंट नेवी एक अलग टाइप की जॉब होती है, जिसमें कंपनीज का सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराना होता है, और इसमें कंपनीज का एक देश से दूसरे देश तक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराना होता है, और ये जो है वर्ल्ड वाइड एक बिजनेस फैला होता है, जिसमें आपको जॉब होती है। और मर्चेंट नेवी की जॉब कोई परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्प्ररी जॉब होती है। तो कंपनीज में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब देती है, 6 से 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जॉब देती है, और आपको सैलरी तब तक मिलती है जब तक आपकी जॉब होती है, ठीक है। तो जितने टाइम की आपकी जॉब होगी, उतने टाइम की आपको सैलरी मिलेगी, जबकि इंडियन नेवी में आपको सैलरी भी हमेशा मिलती है जब तक आप जॉब करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन मिलती है। तो गाइस, बात करते हैं मर्चेंट नेवी की। जैसा इस वीडियो में पहले आपको मैंने बताया, मर्चेंट नेवी का काम क्या होता है, मर्चेंट नेवी की जॉब क्या होती है। तो मर्चेंट नेवी में ये होता है कि जैसे कि कंपनीज का सामान होता है, तो वो समुद्र के थ्रू एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, ठीक है। तो इसमें जैसे बड़े बड़े आपने शिप्स देखे होंगे, उसके अंदर बहुत सारा सामान जो है समुद्र के रास्ते जाता है, तो उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है मर्चेंट नेवी की जॉब्स के अंदर। और इसमें जो है एक जैसे सामान होता है कंपनीज का काफ़ी सारा, तो उसमें एक देश से दूसरे देश ले जाने का जो भी काम होता है, वो सारा मर्चेंट नेवी का काम होता है, ये जॉब होती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब होती है, तो ऐसा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेमी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बट प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, ये एक प्राइवेट जॉब्स होती है। बट ये आती दोनों के अंदर है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी इस जॉब इसके कोर्स को कराते हैं, और उस कोर्स को करने के बाद आप जॉब ले सकते हैं इसके अंदर। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी कुछ इस कोर्स को प्रोवाइड कराते हैं कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं मर्चेंट नेवी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें दोनों को अनमैरिड होना ज़रूरी है, और एज लिमिट जो होती है वो 17 to 25 years होती है, और इसमें आपको फिजिकल फिटनेस ज़रूरी होता है। 12th में आपके पास 60% होनी चाहिए मिनिमम या उससे ज़्यादा, और 12th में साइंस स्ट्रीम के साथ साथ आपके पास मैथ्स भी होने चाहिए। और इसमें आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो कि IMU CET होता है, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इस कोर्स को करने से पहले आपको मेडिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, जो आपकी आई साइट है वो 6x6 होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगर किसी को डिसेबिलिटी है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो मर्चेंट नेवी के कोर्स करने के लिए मैं आपको टॉप 5 colleges बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आता है एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम एकेडमी मुंबई, सेकंड नंबर पे आता है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, थर्ड नंबर पे आता है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज़ महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे आता है इंटरनेशनल मैरिटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा, और फिफ्थ नंबर पे आता है विश्वकर्मा मैरिटाइम इंस्टीट्यूट पुणे। तो इन कॉलेज में आप एंट्रेंस टेस्ट देकर एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं।
गाइज मर्चेंट नेवी को 10th के बाद भी ज्वाइन करा जा सकता है। 10th के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये वाले कोर्स कर सकते हैं, नियर कोस्टल वोएज, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, DNS, कमर्शियल डाइविंग और GP रेटिंग। तो गाइज इन कोर्सेज को करने के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं 12th के बाद कैसे ज्वाइन करते हैं मर्चेंट नेवी को। 12th के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाले कोर्स कर सकते हैं आप, BSc इन नॉटिकल साइंस, BE मैरीन इंजीनियरिंग, BE नवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, BE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BE हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग, BE सिविल इंजीनियरिंग, BE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BSc मैरीन कैटरिंग, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कोर्स। तो गाइज इन कोर्सेज को करने के बाद आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी। तो गाइज बात कर लेते हैं सैलरी परस्पेक्टिव की। अगर आप 12th के बाद इन कोर्सेज को करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी कंपनीज कौन सी है, आपके कौन से शिप्स पर आप काम करते हो। बहुत बड़े शिप्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑयल गैस टैंकर शिप्स होते हैं, कंटेनर शिप्स होते हैं, जनरल कार्गो कैरियर होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शिप्स, इन सारे फैक्टर्स पर जो है आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो साइड्स होती हैं, मींस एक डेक साइड होती है और एक इंजन साइड। अगर आप इंजन साइड पे एज अ इंजन कैडेट ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी होगी 30,000 to 45,000। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका प्रमोशन भी होता है, प्रमोशन के साथ साथ आपका जो है प्रमोशन होता है, आपके लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि आप 4th इंजीनियर होते हो तो आपकी सैलरी होगी 70,000 to 1.5 lakh, 3rd इंजीनियर की होती है 1.5 lakh to 2.5 lakh, और 2nd इंजीनियर की होती है 3 lakh to 5 lakh, और चीफ इंजीनियर की होती है 5 to 8 lakh। और जब आप काफ़ी आपको जो एक्सपीरियंस हो जाता है, कैप्टन बन जाते हो, तो आपकी सैलरी होती है कैप्टन बनने के बाद 8 to 10 lakhs। और अगर आप बात कर लेते हैं डेक कैडेट की, अगर आप डेक कैडेट ज्वाइन करते हो एज अ इनिशियल लेवल पे तो आपकी सैलरी होगी 15 to 25,000, और 4th लेवल ऑफिसर की होती है 30 to 60,000, और 3rd लेवल ऑफिसर की होती है 70,000 to 1.5 lakh, और 2nd लेवल ऑफिसर की होती है 2 to 5 lakh, 2 lakh to 5 lakh मीन्स, और चीफ ऑफिसर की होती है 5 to 8 lakhs, और कैप्टन की होती है 8 to 12 lakhs। तो गैस आपको यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी मिल सकती है अदर फील्ड्स के कंपैरिजन में। बट आपको ये ध्यान रखना है, मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने से पहले आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है शिप पे रहना पड़ता है, 6-6 महीने शिप पे रहना पड़ता है, कुछ लोगों को 7 महीने, कुछ लोगों को 8 महीने। तो ऐसा आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, तो ये काफ़ी सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वैसे मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका ड्रीम है तो मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करिए, अपना कैरियर उसके अंदर बनाइए, काफ़ी अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं वहाँ से। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर दीजिए।